8 ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। PSC परिणाम, राज्य के युवाओं के साथ मजाक, जाएंगे हाई कोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद परीक्षार्थियों द्वारा मिली भगत और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जा रहा है। राज्य के प्रतिष्ठित आयोग के कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवालिया निशान उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ईमानदार अधिकारी देने वाली संस्थान के बदले भ्रष्टाचार का केंद्र मात्र बना दिया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं और बड़े रसूखदार अधिकारियों के बच्चों को प्रशासनिक सेवा में पहुंचाने के बदले यहां कमीशन का खेल खेला जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश टीम के नेतृत्व में आज हर जिले में ज्ञापन सौंप CGPSC के जो घोटाले हुए हैं उसमें परिवारवाद का नौकरी जो लग रहा है या सिलेक्ट हुए हैं उसी संबंध में हम आज भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए हम निकले थे। हमें बैरिकेड लगाकर रोका गया और हम यहीं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। आज आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि CGPSC में बड़ा घोटाला हुआ है और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है PSC के अध्यक्ष हैं उनके ही परिवार के लोगों का सिलेक्ट ज़्यादा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उच्च पदों में अपने परिवारवाद का नौकरी लगा रहे हैं और हम ये मांग करने आए हैं कि CGPSC घोटाला की जांच हो और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि